रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहजहां। मैं आपको शाहजहां सिस्टर किचन कॉर्नर में खुशामदीद कहती हूँ। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ट्रिपल लेयर चिकन चीज सैंडविच की रेसिपी, जो कि बहुत मजे की और बहुत टेस्टी बनती है। आप अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, आप लंच में भी बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है बरसात का मौसम है, बरसात में अक्सर मैदा फूल जाता है और कोई चीज खाने को दिल नहीं करता, तो ये आप हल्की फुल्की भूख के लिए भी तैयार कर खा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत है। एक पाव मैंने चिकन लेके इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। दो बड़े चम्मच मैंने मक्खन के लिए हैं। आठ पीस मैंने ब्रेड के लिए हैं। आधी मैंने शिमला मिर्च लेके छोटी सी चॉप कर ली है। आधी मैंने बंद गोभी लेके चॉप कर ली है। आधी मैंने चाइनीज गाजर लेके चॉप कर ली है। थोड़े से मैंने मकई के दाने लिए हैं। एक बड़ा चम्मच में लाल कुटी हुई मिर्च ली है। आधा चम्मच मैंने नमक लिया है। आधी चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। एक चम्मच में लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। एक चम्मच मैंने व्हाइट सिरका लिया है। एक प्याली मैंने केचप की ली है। आधी चम्मच मैंने हल्दी ली है। एक चम्मच मैंने रेड मिर्च पाउडर लिया है। एक प्याली मैंने मायोनीज की ली है। एक प्याली मैंने मोजरेला चीज ली है। एक प्याली मैंने चैटर चीज ली है। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया पिसा हुआ। चलिए मैं आपको बताऊंगी आप इसे कैसे तैयार करेंगे। मक्खन शामिल करेंगे जो हमने लिया है। मक्खन अच्छे से मेल्ट हो जाए। आपके पास अगर मक्खन नहीं है तो आप इसमें ऑयल भी डाल सकती हैं। मेरे पास मक्खन था इसलिए मैंने मक्खन शामिल किया। आप इसके अंदर तेल भी शामिल कर सकते हैं खाने वाला। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप इसमें तेल भी शामिल कर सकती हैं, घी भी शामिल कर सकती हैं। ये मेल्ट हो गया अच्छे से। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। फ्राई करेंगे। इसे आपने अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल ना आए। नाज़रीन पहले मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँ, फिर आपको आगे की रेसिपी। अच्छे से फ्राई हो गया, अब इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन में पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है कि चिकन में पानी शामिल होता है, इसी पानी में गल जाएगा चिकन। हमें इसे दबा दबा के कुक करना है ताकि चिकन का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। हल्दी शामिल करेंगे। मिर्ची शामिल करेंगे। लाल कुटी मिर्च शामिल करेंगे। लाल पिसी मिर्च शामिल करेंगे। अच्छे से आएंगे। गरम मसाला शामिल करेंगे। आप मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकती हैं। अब इसके अंदर सिरका शामिल करेंगे जो हमने वाइट सिरका लिया था। नाज़रीन में से अच्छे से पका लूँ, फिर आपको आगे की रेसिपी में आपको बताऊंगी। आपने हमने हाथ से लाना ताकि अच्छे से सारों में बोटियों की शामिल हो जाए। बोलेंगे मिक्स करेंगे अच्छे से। आपने इसे दबा दबा के फ्राई करना है ताकि चिकन का पानी अच्छे से खुशक हो जाए। इसको फ्राई करके फिर आपको आगे की रेसिपी। चिकन अच्छे से पक गया, गल गया है। इसको पकने में सिर्फ 5 मिनट लगे हैं। मैंने छोटी छोटी बोटली इसलिए कर ली थी
तो आपके चिकन जल्दी गल जाए, चिकन इससे जल्दी गल जाता है। चलिए मैं अब ये चिकन ठंडा हो जाए, फिर मैं आपको आगे की हमारी मायोनीज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, केचप शामिल करेंगे इसमें। अगर आपके पास हॉट सॉस है तो आप हॉट सॉस शामिल कर ले, मेरे पास केचप था, मैंने केचप शामिल किया। काली मिर्च शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने स्वीट्स कॉर्न लिए थे वो शामिल करेंगे। बंद गोभी ली थी वो शामिल करेंगे। हमने इसे बारीक बारीक चॉप किया, आपने भी ऐसी काटनी है। शिमला मिर्च शामिल करेंगे, गाजरें शामिल करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ही अपने बच्चों को बना कर देना, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। सैंडविच बहुत मज़े का बनता है और बहुत जल्द तैयार होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। आप इसे स्नैक्स के तौर पे भी चाय के साथ ले सकते। ये नाज़िम अच्छे से मिक्स हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, केचप लगाएंगे इस पे। जिसे आपने लगा लेने हर जगह पे। जो लिया सैलड लगाएंगे, सैलड लगाएंगे जो हमने ली थी। अब इसके ऊपर हम चैटर चीज डालेंगे। इसमें हमारी मोजला चीज शामिल करेंगे। इसमें पीस रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, से मायोनीज लगाएंगे। इसके पापा बोटियाँ जो हमने ली थी चिकन की वो लगाएंगे।
उसपे स्लाइस रखेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे और इसके ऊपर मायोनीज लगाएंगे। अब इसके ऊपर मोजरेला चीज डालेंगे, चैटर चीज शामिल करेंगे। अगर आपके पास चैटर चीज नहीं है तो आप इसके अंदर मोजरेला चीज, इसके अंदर आप पिज्जा चीज पिज्जा भी शामिल कर सकती हैं। इसमें कुटी हुई मिर्च डाल देंगे, में ये अब तैयार हो गया है। अब इसको मैं बेक करूंगी, आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं, मैं इसको पैन में बेक करूंगी। चलो मैं आपको बताऊंगी आपने क्या शामिल करेंगे। अगर आपके पास मक्खन है आप तेल या घी भी शामिल कर सकते हैं। इसमें ज्यादा नहीं शामिल करना ऑयल या मक्खन, बस आपने इसे ग्रीस करना है। अब हम इसके अंदर सैंडविच रखेंगे, बिस्मिल्लाह इसके ऊपर रखेंगे। नाजी अब इसको बेक करेंगे, जब अच्छे से चीज मैं बेक करने के लिए रख दूंगी हल्की आंच पे, जब ये चीज मेल्ट हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका। मैं सारे आपने इसी तरह बना लेने हैं। चलो मैं बोर्ड बना के फिर आपको गया, अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। नाजी डबल लेयर चीज सैंडविच तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिल सके। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।